हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फटाफट फ्लटर सीखने वाले हैं और हम एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे इस वीडियो में और सीखेंगे कि फ्लटर से हम एंड्रॉयड, आईओएस और वेब एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। तो फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये flutter.dev पे हूँ मैं और यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड एप्स फॉर एनी स्क्रीन। सो दैट इज़ व्हाट फ्लटर डज। आपके एक कोड बेस से आप एक जगह कोड लिखोगे और आपको मोबाइल एप्लीकेशंस भी दे देगा, एंड्रॉयड और आईओएस का, और एक वेब एप्लीकेशन भी दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे गेट स्टार्ट है, तो उस पर क्लिक करना है हमें और यहाँ पे हमें फ्लटर इंस्टॉल करने का सारा स्टेप लिखा हुआ है। जिस भी ओएस पे आपको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। आपका फ्लटर जब तैयार, मतलब सारे इंस्टॉलेशन हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में जाके फ्लटर डॉक्टर लिखना है, डॉक्टर, फ्लटर डॉक्टर। तो इसके बाद ये आपको बताएगा कि आपके सारी इंस्टॉलेशंस सही है या नहीं है। अगर आपको कोई क्रॉस चेक दिखता है तो इसका मतलब आपको वो चीज़ फिर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक से डाउनलोड करनी पड़ेगी, कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें। तो देखिए, मेरा फ्लटर चैनल स्टेबल दिखा रहा है, एंड्रॉयड टूल चेन, एक्स कोड, क्रोम, सब कुछ, सबका ग्रीन चेक है। इतना हो गया तो हमें क्या करना है, अपना फ्लटर एप्लीकेशन रन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लिखेंगे हम फ्लटर क्रिएट और हमारे एप्लीकेशन का नाम। तो मैं लिखूँगी ट्यूटोरियल, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, माई ऐप या फर्स्ट ऐप, जो भी मतलब। और ये इतना करने के बाद ये आपको आपका फ्लटर जो है, फ्लटर ऐप, फर्स्ट आपका फ्लटर ऐप बन के तैयार हो जाएगा। इसको रन करने के लिए आपको ये जो कमांड दिया है वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अपने विजुअल स्टूडियो में खोलते हैं। तो विजुअल स्टूडियो में खोलने के बाद ये आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। ये आपका फोल्डर है, ऐप का फोल्डर से सारे डायरेक्ट्री है। और यहाँ विजुअल स्टूडियो में अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोरर। ये यहाँ पे आपको सारा प्रोजेक्ट का दिखेगा। यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। इधर में आप अगर कोई सोर्स कंट्रोल गिट विट रखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपका डीबग के लिए है और ये आपका एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन में जाके क्या करना है आपको, डार्ट, ये डार्ट है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसे इंस्टॉल कर लेना है और फ्लटर इंस्टॉल कर लेना है। तो डार्ट क्या है, डार्ट लैंग्वेज है जो कि हम फ्लटर में यूज़ करते हैं अपना कोड लिखने के लिए। हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे, जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे वैसे वैसे डार्ट भी सीखते जाएंगे। तो डार्ट एक लैंग्वेज है जिससे हम फ्लटर में कोड लिखते हैं। फ्लटर क्या है, यूआई फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है हमें कोड लिखने के लिए और मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए। और डार्ट क्या है, डार्ट लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम फ्लटर ऐप्स लिखते हैं, राइट। और ये कुछ स्निपेट्स हैं, ऑसम फ्लटर स्निपेट्स, ब्रैकेट पेयर, ये मेरे मेरे मन के, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये सारे एक्सटेंशंस। तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी हेल्प से क्या होगा कि आपको फ्लटर का कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हो गया हो तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक कोड बेस से एंड्रॉयड, आईओएस और वेब सब मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक एंड्रॉयड का फोल्डर है जिससे आपका एंड्रॉयड का ऐप बनेगा, एक आईओएस का फोल्डर है जिससे आईओएस का ऐप बनेगा, और एक वेब का फोल्डर है जिससे वेब का ऐप बनेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सारे फोल्डर्स में जाके कोड करना पड़ेगा। कोड करने के लिए आपको सिर्फ ये लिब फोल्डर में जाना है। लिब फोल्डर में मेन डॉट डार्ट है, यहाँ पे आप कोड करेंगे तो वो सारे में चलेगा, ये एंड्रॉयड में भी चलेगा, आईओएस में भी चलेगा और वेब में भी चलेगा। तो यही इसकी खासियत है। और अब एक और चीज़ है, ये पबस्पेक वाईएमएल। पबस्पेक वाईएमएल क्या होता है, डिपेंडेंसी के लिए होता है। जैसे कुछ बाहर से आप कुछ ऐड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ भी बाहर से आप ऐड कर रहे हैं, कोई भी डिपेंडेंसी, जैसे आप कोई इमेज ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाके इमेज ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस। तो यहाँ पे ऐसे जाके इसको अनकमेंट करना रहेगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, जब हम इमेज करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन डॉट डार्ट में। अब जैसे मैंने आपको बताया, डार्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं फ्लटर का ऐप्स लिखने के लिए। तो ये हमने डार्ट में आ गए। डार्ट में सबसे मेन फंक्शन जो होता है उसका नाम होता है मेन, ठीक है। और मेन में हमारे पास एक रन ऐप होता है जिसमें हम अपना ऐप रन करते हैं। तो ये हमारा माई ऐप जो है, ये क्लास जो है वो रन होगा, ठीक है। तो चलिए अब ये एक सैम्पल एप्लीकेशन जो है,
एक सैम्पल क्लास एक फ्लटर बना के दे देता है जब भी आप एक नया एप्लीकेशन रन करते हो, क्रिएट करते हो, तो एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन फ्लटर बना के दिया हुआ है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। रन करने के लिए आपको क्या करना है, इसके विजुअल स्टूडियो में ऊपर में आपको रन दिखेगा और यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग है, या तो इसको क्लिक करना है या तो यहाँ पे देखिए F5 लिखा है, तो शॉर्टकट है इसका, F5 पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप रन हो जाएगा। तो F5 पे क्लिक करिए, आपका ऐप रन हो जाएगा। तो जब तक ऐप रन होता है, मैं आपको बता दूँ फ्लटर में सब कुछ विजिट होता है। तो जैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो भी देखते हो वो सब कुछ एक विजिट होता है। विजिट क्या है, मतलब एक तरह से व्यू ही है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मेरी क्लास है माई ऐप, इसका विजिट का नाम क्या है, स्टेटलेस विजिट है ना। तो ऐसे ही फ्लटर में सब कुछ विजिट होता है। जैसे आप कोई टेक्स्ट देख रहे हो तो उसके लिए एक टेक्स्ट विजिट होता है, एक बटन देख रहे हो तो एक बटन विजिट होता है, एक कंटेनर देख रहे हो तो कंटेनर विजिट होता है, इमेज देख रहे हो इमेज विजिट होता है, सब कुछ विजिट होता है, ठीक है। तो फ्लटर प्री डिफाइंड विजिट्स देते हैं हमें, टेक्स्ट बटन ये सब के लिए। लेकिन अगर आपको खुद का एक अपना स्क्रीन बना रहे हो, आप जब मोबाइल ऐप या वेब ऐप बनाते हो तो खुद की स्क्रीन बनाते हैं, राइट। तो वो जो स्क्रीन होती है वो आपकी कस्टम विजिट होती है, राइट। तो उसको क्रिएट करने के लिए आप दो तरह के कस्टम विजिट क्रिएट कर सकते हो, एक स्टेटलेस होती है ये वाली, और एक स्टेटफुल होती है। स्टेटलेस का मतलब उसमें कोई स्टेट नहीं रहेगा, मतलब आप उसमें डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, डेटा के चेंजेस नहीं कर सकते। स्टेटफुल का मतलब कि उसमें डेटा रहेगा, आप डेटा को चेंज कर सकते हो, उसको कैसे इधर उधर करना है डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको स्टैटिक पेज बनाना है तो स्टेटलेस विजिट यूज़ करिए, अगर आपको डायनेमिक पेज बनाना है जिसमें आपको डेटा चेंज करना है तो स्टेटफुल विजिट यूज़ करिए, ठीक है। तो चलिए अपना ऐप जो है वो रन हो गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा डेमो एप्लीकेशन, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये काउंटर बढ़ रहा है। तो ये हमारा स्टेटलेस विजिट है, नहीं सॉरी, ये स्टेटफुल विजिट है। देखिए माई होम पेज, ये स्टेटफुल विजिट है, इसीलिए हमारा ये काउंटर बढ़ रहा है, ठीक है। ये माई ऐप जो है स्टेटलेस है, इसके अंदर हमने दूसरा विजिट कॉल किया, इसीलिए मैंने बोला कि फ्लटर क्या है, ट्री है, एक ट्री टाइप का है जिसमें विजिट्स का ट्री रहता है। आपका टॉप लेवल पे एक रूट विजिट रहता है और उसके अंदर आपके चाइल्ड विजिट होते रहते हैं, एक पेरेंट विजिट है उसका चाइल्ड विजिट। तो जैसे पेरेंट विजिट आपका मटेरियल ऐप हो गया, मटेरियल ऐप जो होता है ये सबसे पेरेंट विजिट होता है हमारे में, ठीक है। इसी से आपका पहले तो स्क्रीन जो है तैयार होता है, तो इसमें आप टाइटल दे सकते हो, आप अपने ऐप का थीम दे सकते हो, आप कोई होम विजिट दीजिए। तो जो फर्स्ट पेज जो दिखेगा वो आप यहाँ पे देंगे होम विजिट में, ठीक है। तो हम ये पूरा ऐप डिलीट कर देते हैं और हम अपना शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये माय ऐप हम खुद से बनाएंगे, तो ये तो कॉमन है, ये सब सब में रहना ही रहना है। आपको एक मेन फंक्शन रहेगा, उसमें रन ऐप रहेगा जिससे आपका ऐप रन हो रहा है, और ये माई ऐप हो गया, ठीक है। माई ऐप आपको बनाना होगा, तो एक बहुत ही ईजी तरीका है, पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर लिखते हैं STLES तो हमारा स्टेटलेस विजिट आ जाता है। तो चलिए हम इसका नाम दे देते हैं माई ऐप, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है मटेरियल, तो मटेरियल इंपोर्ट किया हुआ है तभी आप ये स्टेटलेस विजिट, ये सारी चीज़ें इस एक क्लास होती है मटेरियल डॉट डार्ट, इससे ही आती है, ठीक है। तो सारी विजिट भी क्या है, क्लास ही है, राइट। तो वही है, तो ये सब कुछ अगर आपको यूज़ करना है तो ये इम्पोर्ट करना ही होगा, ठीक है। तो कंटेनर नहीं, हम एक और विजिट होती है जिसका नाम होता है स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड विजिट से हम अपना पूरा ऐप तैयार करते हैं, लाइक ये भी एक मेन विजिट है, इसके बिना बनेगा नहीं आपका। बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर देता है ये, जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी स्कैफोल्ड में होता है एक ऐप बार। तो अगर आप सिर्फ एक ऐप बार बना दोगे तो ये एक अच्छा सा एक ऐप बार दे देगा। मैं यहाँ पर ये मेरा सेट हुआ है डीबगर में, तो मैं इसको हटा देती हूँ ब्रेक पॉइंट और फिर से इसको रन करते हैं। अच्छा ये जो है ये भी दिखा देती हूँ मैं, ये यहाँ से जब आपने F5 पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये एक नया सा क्रिएट हो जाता है हमारे विजुअल स्टूडियो में। इसमें क्या होता है, ये एक हॉट रीलोड के लिए, मतलब आप जैसे ही कोड सेव करोगे आपका ऐप जो है वो रीलोड हो जाएगा। तो ये एक फीचर होता है फ्लटर का, और ये रीस्टार्ट करने के लिए, और यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हटा दो और हम लोग रीस्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन, और ये देखते हैं। अच्छा
ये हमें पहले स्कैफोल्ड मैंने यूज़ कर लिया, हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना है, मटेरियल यूज़ करना है, मटेरियल ऐप, ये देखिए मटेरियल ऐप, और इसमें इसके अंदर का जो हमारा विजेट रहेगा, तो मटेरियल ऐप में हमारा होता है होम, होम में हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड, ठीक है। तो अब स्कैफोल्ड में हमारी एक एक प्रॉपर्टी होती है ऐप बार, जिससे हमें एक अच्छा सा ऐप बार मिल जाता है, तो ये बना लेते हैं हम, ठीक है। इसको ये क्लोज़ करना होगा, सेमी कॉलन देना होगा और क्लोज़ करना होगा। तो सबसे रूट विजिट होता है हमारा मटेरियल ऐप, ठीक है। उसके अंदर एक ऐप पेज को डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन देने के लिए एक विजिट बना हुआ है स्कैफोल्ड। तो उसमें स्कैफोल्ड में आपको ऐप बार मिल जाएगा, आपको ऐसे बॉडी टाइप का मिल जाएगा, बॉडी में आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैं एक कंटेनर विजिट होता है वो कंटेनर विजिट ले लूँगी, ठीक है। इतना करने पे आपको अपना ऐप थोड़ा दिखना चाहिए, देखिए ये बन गया। अब आप ऐप बार में यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे जाके आप टाइटल दे सकते हैं, टाइटल के अंदर भी आपको एक टेक्स्ट विजिट लेना होगा, और फिर उसमें लिख सकते हैं आप माई ऐप, ठीक है, तेरे को माई ऐप आ गया, ओके। तो ये हो गया हमारा ऐप बार, बट मुझे जो बनाना है, हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, एक सिंपल सा पोर्टफोलियो, तो उसके लिए हमें ऐप बार नहीं चाहिए, तो हम हटा देते हैं ऐप बार को। हमें क्या करना है, एक इमेज, इमेज डालनी है हमें, ठीक है। पोर्टफोलियो में इमेज तो होगी, तो चलिए एक इमेज लेते हैं, इमेज डॉट एसेट, ठीक है। और यहाँ पे हमको अपने एसेट का पूरा पाथ देना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली, एसेट्स कुछ भी ऐड करना है आपको, कुछ भी बाहर से ऐड करना है इमेज, तो आपको क्या करना है, यहाँ पबस्पेक बाई एम एल में उसको ऐड करना होगा। और पहले तो हमें यहाँ पे अपने ऐप फोल्डर में भी उसको लाना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और एक नया फोल्डर बनाएंगे एसेट्स, ठीक है। और फिर उसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे इमेजेस, ठीक है। और फिर मैंने ऑलरेडी एक इमेज रखी हुई है, ये यूज़र PNG करके, तो इसको डाल देते हैं। तो ये हमारा यूज़र का इमेज रहेगा जो कि दिखेगा अपने स्कैफोल्ड में। तो यहाँ पे आना है आपको, ये नहीं, पबस्पेक बाई एम एल में आना है, और नीचे में जहाँ पे आपको दिख रहा था इसको अनकमेंट कर देना है, अनकमेंट कर दो, और यहाँ पे एसेट्स स्लैश इमेजेस ये पाथ दे देंगे, सिर्फ इतना बात देंगे, इमेज का नाम नहीं डालेंगे, क्योंकि अब आप जितने भी इमेज इस फोल्डर में डाल लीजिए वो सारे के सारे एक्सेस हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन से, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद एक यहाँ पे सिंक बटन होता है पबस्पेक बाई एम एल में, यहाँ पे सिंक बटन होता है, उसको कर देंगे ताकि ये अपने कंसिडर कर ले कि हाँ भाई हमारे पास ये इमेज आ गया है, ठीक है। अब यहाँ मेन डॉट डार्ट में गए और यहाँ पे अपना इमेज का पाथ दे देंगे, तो कहाँ है, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश यूज़र डॉट पी एन जी, तो ये हो गई हमारी इमेज। इसको रीस्टार्ट करते हैं और हमारे पास इमेज आ जानी चाहिए, ये देखो इमेज आ गई, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं दिखना है, राइट, हमें थोड़ा थोड़ा सेंटर में ये रहेगा और नीचे में आएगा, और हमें इसके नीचे अपना नाम वाम भी लिखना है, तो चलो ये कर लेते हैं। तो फटाफट करते हैं इसको, इसमें अब हमें इसके नीचे में नाम लिखना है, राइट, तो नीचे में नाम लिखना है तो मतलब कॉलम, तो हमें मिलती है दो विजिट और मिलती है हमें, रो और कॉलम। तो अगर आपको अपना लेआउट कॉलम की तरह, मतलब वर्टिकली लेआउट करना है, तो आप कॉलम विजिट कर यूज़ करोगे। अगर आपको हॉरिजेंटली रो लेआउट करना है, तो आप रो विजिट यूज़ करोगे, ठीक है। तो हमें वर्टिकली करना है, तो चलिए यूज़ करते हैं अपना कॉलम विजिट, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने किया, राइट, तो अगर कोई नया ऐप, कोई नए विजिट में आपको इसको रैप करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाता है रैप विद कॉलम, रैप विद सेंटर, ये सारे विजिट्स हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, रैप विद कॉलम करना है। अब कॉलम में हमारे दो एक्सेस होते हैं कि वर्टिकली अगर करना है तो वो सेंटर में रहेगा या स्टार्ट में रहेगा या एंड में रहेगा, हॉरिजॉन्टली करना है तो कैसे रहेगा, तो ये होते हैं मेन एक्सेस बोलते हैं उसे, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, तो इसको बोल देते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट ऑल्सो सेंटर, ठीक है। तो अब देखो ये सेंटर में आ गया हमारा विजिट, ठीक है। अब इसको थोड़ा ये भी कर देते हैं कि इसका विथ हाइट लगा देते हैं, क्योंकि हमें उतना बड़ा नहीं चाहिए, 100 कर देते हैं, हाइट भी कर देते हैं 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ। अच्छा, हमारा कॉलम क्या है, ये इतना सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हमारा कॉलम है, तो ये सेंटर में ही है, कॉलम के सेंटर में, लेकिन पेज के सेंटर में नहीं आ रहा है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम उठा लेंगे
और ये यहाँ पे हमारा रैप विद वेजी सेंटर है, इसको कर देंगे तो हमारा ये सेंटर में आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं क्या, एक टेक्स्ट विजिट लेते हैं। टेक्स्ट विजिट लेंगे हम और उसमें लिख देंगे हे आई एम रिचा, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया। अब इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखाते हैं इसको। तो इसकी स्टाइलिंग, स्टाइलिंग बोलते हैं इसको, स्टाइलिंग करेंगे। और फिर उसमें होता है हमारा एक और विजिट होता है स्टाइलिंग के लिए, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे, जैसे हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं रखूँगी इसका कलर थोड़ा येल्लो में, येल्लो में। और देखिए कलर्स क्या है, ये भी एक तरह का प्रीडिफाइंड क्लास है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो हमें फ्लटर ने दिया हुआ है। तो इस पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो ये येलो है और इसके कुछ शेड्स भी रहते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखो ये शेड्स आ रहे हैं। तो इसमें कोई शेड आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सेलेक्ट करूँगी हमारा 700, ठीक है। तो 700 मैंने शेड सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं इसको देना चाहती हूँ फॉन्ट वेट, तो मैं दूंगी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। मैं बोल्ड दिखाना चाहती हूँ इसे। और फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट साइज़ कर देते हैं इसका 30, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया हाई आई एम रिचा, ठीक है। अभी एक और टेक्स विजिट लेते हैं, एक और टेक्स विजिट ले लेंगे। और ये हो गया हमारा दूसरा टेक्स विजिट, और इसमें हम लिख देते हैं आई एम अ मोबाइल ऐप डेवलपर, ठीक है। ये इसमें हमें येलो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रे चाहिए, ठीक है। ग्रे ले लेते हैं। और मुझे बोल्ड भी नहीं चाहिए फॉन्ट वेट, मुझे चाहिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, तो मैं ले लूँगी ये 700 वाला, ठीक है। और साइज़ भी कम कर देते हैं इसका, 24 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये लिखा आ गया। अच्छा मुझे थोड़ी लाइन स्पेसिंग चाहिए, बहुत क्लब सा दिख रहा है, तो लाइन स्पेसिंग दे देते हैं, लेटर स्पेसिंग दे देते हैं। और ये दो हो गया, दो लेटर स्पेसिंग देते हैं। और ये सेम चीज़ हम इधर भी कर देते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा स्पेसिंग आ गया है ना, अच्छा लग रहा है अभी। और हम अपना ये आईफोन सिमुलेटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा सा दिख रहा है ये देखो, ठीक है। और इसमें इधर इधर से भी थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं। तो क्या करना है आपको, पैडिंग बोलते हैं उसे, तो यहाँ पे क्लिक करो और ये रहा रैप विद पैडिंग। तो ये पैडिंग इस तरह से ऐड करते हैं और ये डिफ़ॉल्ट से 8 पैडिंग दे देता है। तो इसमें भी यही कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट का 8 पैडिंग हम ऐड कर देते हैं, रैप विद पैडिंग हो गया। तो ये देखो थोड़ा सा पैडिंग लग गया, अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से हम लेआउट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर दे देंगे यहाँ पे। और फिर उसके नीचे देखो एक होता है हमारे पास डिवाइडर, हम क्या बना रहे हैं, अपना एक पोर्टफोलियो ऐप बना रहे हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं। तो देखो डिवाइडर में एक रहेगा हाइट, उसको दे देते हैं 30। और इसको कलर दे देते हैं इसका, कलर्स डॉट ग्रे, ग्रे कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखो पूरा का पूरा स्क्रीन ले लिया वो डिवाइडर। तो इसको इसको हमको, इसमें विड्थ नहीं होता है, तो विड्थ इसको इसको चेंज इसमें ऐड करना है। तो इसमें एक रैप कर देंगे कंटेनर विजेट से, ठीक है। और इसको दे देंगे विड्थ, और चलिए दे देते हैं 120, ठीक है। तो अब थोड़ा सा छोटा सा हो गया ये, है ना। और चलो अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक देंगे। तो जैसे मैं अपनी पोर्टफोलियो कन बना रही हूँ ना, तो अगर किसी को मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे करेगा, तो मैं एक बटन दे दूँगी यहाँ पे, है ना। तो बटन देंगे होता है हमारा एलिवेटेड बटन, ठीक है। ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस्ड हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा छोटा सा सैम्पल ट्यूटोरियल है, पूरा ऐप नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसको हम एक चाइल्ड विजिट दे देते हैं, ये हम देंगे एक टेक्स्ट और लिख देंगे ईमेल नेम, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो गया, एक्स्ट्रा वो लग गया है तो इसलिए दिक्कत कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बटन, ये देखिए हमारा बटन तैयार होगा, ये रहा बटन। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं ताकि थोड़ा, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक पेज। अगर हमें इसको डायनेमिक करना है, हमको स्टेटफुल विजिट यूज़ करना है, राइट, स्टेटफुल में हम डेटा डाल सकते हैं। तो अगर स्टेटफुल यूज़ करना है तो चलिए उसको भी देख सकते हैं। तो क्या करना है, ये हमारा स्टेटलेस विजिट है, राइट। अगर इसको स्टेटफुल बनाना है तो यहाँ पे इसको क्लिक करो और ये देखो यहाँ पे कन्वर्ट टू स्टेटफुल,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटफुल बजट। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि स्टेटफुल बना दिया है और यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर रहा है। स्टेट क्रिएट करना मतलब एक तरह से डेटा, डेटा हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, उसका स्टेट कैसे संभालेंगे, तो ये सारा चीज़ हमारा इस वाले क्लास में होगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम एक थीम का बटन देंगे और जब उस पर क्लिक होगा तो हम अपने पोर्टफोलियो का थीम मतलब कलर चेंज कर लेंगे। तो जैसे हम लिख देते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं बुलियन इज डार्क मोड, ठीक है। तो हम इसको एक डार्क मोड एंड लाइट मोड दो तरह का बनाएंगे। तो अभी ये हमारा क्या है, ये लाइट मोड है ना। तो ये इस तरह से आप वेरिएबल बनाते हैं आप डार्क में, इसको इस डार्क मोड ले लिया। और यहाँ पे स्कैफोल्ड में एक होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो अगर डार्क मोड है तो हम कलर्स डॉट ब्लैक ले लेंगे, है ना, नहीं तो हम लेंगे कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो अभी इस डार्क मोड हम चेंज कहाँ करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ठीक है। तो स्कैफोल्ड में हमारे पास एक एक ऑप्शन है फ्लोटिंग बटन बनाने का, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और वो भी बहुत सिंपल, फ्लोटिंग एक्शन बटन उसके लिए भी बना हुआ है। और उसमें भी एक होता है ऑन प्रेस्ड, तो जिसमें हम ऐसे ये इनलाइन फंक्शन क्रिएट करते हैं जैसे यहाँ पे किया था, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, एक आइकन बना लेते हैं इसके चाइल्ड में। तो एक बना लिया हमने आइकन्स डॉट आइकन कलर लेंस, ओके। तो ये हो गया हमारा आइकन, ठीक है। इसको भी आपको एक विजिट में डालना होगा क्योंकि सब कुछ हमारा विजिट ही है। और इसका अभी हम बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करके अपना कलर्स डॉट येलो, और मैं देती हूँ इसको शेड ऑफ 700। अभी हम क्या करेंगे कि जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हम अपना स्टेट चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें हमारे पास होता है सेट स्टेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं इस डार्क मोड और उसको चेंज कर देते हैं। तो नॉट, नॉट का साइन क्या करेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। फिर से इस डार्क मोड, और ये हो गया हमारा इस डार्क मोड सेट, ठीक है। तो अब हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड चेंज कर दे रहा है। तो ये पॉसिबल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा ये स्टेटफुल विजिट है, अगर स्टेटलेस होता तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम क्रोम में चलाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा लगता है। तो यहाँ पे बंद कर दो आईफोन में, अब हम इसको चलाएंगे क्रोम में। तो वही क्रोम सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप डिवाइस सेलेक्ट करते हो तो क्रोम सेलेक्ट करना है और फिर F5 पे क्लिक कर देना है। तो देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है क्रोम में, और ये ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पोर्टफोलियो का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है जैसे। और मैंने एंड्रॉयड में भी रन कर लिया है, तो ये देखो एंड्रॉयड में भी चल रहा है वैसे ही। iOS में तो हमने देखा ही था, ये रहा हमारा iOS वाला। तो ठीक है, तो एक कोड बेस से हमने तीन तीन एप्लीकेशन बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट इंट्रो फ्लटर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मैंने एक काफ़ी लेंदी वीडियो बनाया है 3 घंटे का, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया फ्लटर कैसे कैसे करते हैं, डार्ट लैंग्वेज समझाई है, सब कुछ बहुत ही प्रॉपरली है, बहुत ही टर्टल स्पीड से है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ आपको यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा कहीं यहाँ पे, तो उसको ज़रूर देखें। और आपको ये चैनल अच्छा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।